Yes. Next question देखते हैं, देखिए क्या है. There are three coins. Probability का question है, अच्छा question है, देखिएगा. There are three coins. One is two-headed coin, मतलब एक coin ऐसी जिसकी दोनों तरफ head है. Another is a fair coin, यानी बिल्कुल fair है, head और tail है. Another is, and third is biased coin, the coin of head. मतलब हेड आने के चांस 75% है, यानी हेड का वेटेज ज्यादा है, टेल का कम है. ठीक है. व्हेन वन ऑफ द थ्री कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फ्लिप्ड इट शो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज द टू हेडेड कॉइन. इनमें से एक कॉइन को सिलेक्ट करते हैं, उसके टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अब देखिए ये 22 थ्योरम पे, इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, इससे हेड आने की 1/2, और इससे हेड आने की ऑब्वियसली 75 है तो 3/4. कोई एक कॉइन सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली 1/3, 1/3, 1/3 वो कॉमन होता है, वो बाद में कैंसिल भी हो जाता है. इससे हेड आए 1, इससे आए 1/2, इससे आए 3/4. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब देखो, ये मैंने आपको बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोला था, तो ये आंसर लिखते. अब इसमें क्या करना है, बेस थ्योरम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज द टू हेडेड कॉइन. टू हेडेड कॉइन मतलब ये ऊपर आ गया और 1/3 भी आएगा, तो ये कॉमन कैंसिल. तो आपके पास आ गया 1 अपॉन एलसीएम आ गया 4, तो 4 + 2 यानी 4/9 इज अ राइट आंसर. कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, नोट करिए. यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी का. इफ फाइव ऑफ अ कंपनी ऑफ 10 डिलीवर ट्रिक्स डू नॉट मीट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, 10 में से 5 ट्रिक ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल को फॉलो नहीं करते, एंड 3 ऑफ देम आर चूजन, 3 उनमें से आपने सिलेक्ट किए सर्वे के लिए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द ट्रिक्स चूजन विल बी मीट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, एक भी वैसा ना हो. तो सिंपल है, 5 में से एक 5/10, 4/9 एंड 3/8 सॉल्व कर लीजिए. 5 4 जा 5, सी ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, तो 1/12 इज अ राइट आंसर. तो इसका आंसर होगा सी 1/12, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके करस्पॉन्डिंग वही पेपर में ही करिएगा, अलग से मत करने लगना आप. इसके करस्पॉन्डिंग आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 8 तक दिया. ठीक है, ये दिया है 3 15. यहां पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्योंकि अगर आपसे पूछा है फाइंड द मीडियन, तो 3 18, ये 45 है, तो ये हो गया 60 63. 45 के बाद है 57, देखिए ऐड करते चलिएगा साथ में, तो ये हो गया कितना, 60 + 60, दिस इज 120. 57 के बाद है 50, तो 170. फिर है 36, तो 206. फिर है 25, तो 231, और फिर है 9, तो 240. व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मली n बाय 2 या n प्लस 1/2 लेते, तो n बाय 2 से भी करेंगे तो 240/2 यानी 120, जस्ट ग्रेटर. देखिए तो जस्ट ग्रेटर यहां पर है, तो मीडियन क्या हो गई 5. मीडियन क्या हो गई 5, नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. देखिए क्या है, अ फेयर डाई इज रोल 4 टाइम. एक डाइस को कितने टाइम रोल कर रहे हो, 4 टाइम्स. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 6, मतलब 2 बार 6 आए और बाकी कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 से 5. तो देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की 1/6, 6 ना आने की 5/6, 6 ना आने की 5/6, राइट. पर इसके केसेस बनेंगे लाइक 6 6 1 1, ऐसा 6 6 1 2, ये भी रोटेट होंगे, ये भी रोटेट होंगे. तो अब अगर ये रोटेट हो रहे हैं तो इनको भी हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि जो भी नंबर आप लोगे उनको आपको अरेंज करना होगा. तो क्या हो जाएगा 6 1 1 5 5. अब ये कितने तरीके से रोटेट होंगे आपको ये देखना. अब यहां पर क्या करोगे आप, यस, तो आप जब इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 6 1 3 ऐसे सब होंगे और इनको भी अरेंज करना पड़ेगा. बेसिकली 4 में से आप 2 टाइम चाहते हो कि 6 आए और 2 टाइम नहीं चाहते हो, तो 4C2 लगा सकते हैं सिंपल. तो 4C2 6, 1/6, 1/6, 5/6, 5/6,
एक सिक्स कैंसिल, तो 25/216 इसको या तो अरेंज कर लें, या सिंपल सा लॉजिक है कि 4C2 यानी 4 में से 2 टाइम्स आप चाहते हैं कि 6 आए और 2 टाइम चाहते हैं कि 6 नहीं आए, तो हमने 6 आने वाली प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने वाली प्रोबेबिलिटी को P और Q को एक तरह से ऐसा कर दिया, 4C2 P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर की तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो इसका अगर P 1/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर एंड 4C2, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या है, देखिए द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक सिंपल लॉजिक है कि मीन अगर सब में 5 जोड़ा है तो मीन 5 टाइम बढ़ जाएगा, यानी 5 बढ़ जाएगा तो 55, और स्टैंडर्ड डेविएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई उस पे पड़ता है, तो इसका मतलब 55.10 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट करिए। यस, नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 60 किलोमीटर स्पीड ऑफ 3B किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर यानी जितना गया एक तरह से उतना ही मान लीजिए कि 60 किलोमीटर आया 2B किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड बतानी है। जब डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन यूज करा करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 60 से आता है, तो एवरेज स्पीड 50 नहीं होगी, वही कंसेप्ट यहां पर है। तो 2 × 3 × 2 / 2 + 3 यानी 12/5 इज 2.4 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी उसकी। नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ सर्टन क्लास इज 60 kg, 150 लोगों का मीन वेट है 60 kg, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और बोला है इन अ द मीन वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का मीन वेट है 70 kg एंड गर्ल्स का मीन वेट है 55 kg, देन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली इन द क्लासेस, को तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये नहीं होगा 75 75, 50 and 100, 70 and 80, 100 and 50। अब देखिए बॉयज का मीन वेट है 70, गर्ल्स का 55 है, इसका मतलब बॉयज का नंबर कम होना चाहिए कंपेयर टू गर्ल्स। तो अगर हम इस पे जाएं तो देखते हैं क्या होगा, तो अगर मैं इस पे जाऊं तो 50 × 70 + 100 × 55 / 150, इसको जरा निकालिए तो एक जीरो कैंसिल दोनों तरफ के, तो 5 × 7 = 350 + 550/15, चाहो तो इसको ऐड कर लो, चाहो तो इसको 600 + 900/50 यानी ये 60 है, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।